हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजय रावत और आप सबका फिर से स्वागत है एक बार मेरे नए ब्लॉग्स में, संजय रावत ब्लॉग्स में। आशा उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, हम भी एकदम फर्स्ट क्लास है और आज का ब्लॉग भी मैंने स्टार्ट कर दिया है भरपूर गाँव से। तो आज मैं जा रहा हूँ भरपूर गाँव में, तो क्योंकि आज से भरपूर गाँव में भी शादी है और आज शादी का कलयुग बनने जा रहा है। तो शादी से पहले अरसे वगैरह बनाए जाते हैं हमारे यहाँ, अरसे पूड़ी पकौड़ी, तो वही बनेगा आज। और चावल भी कूटे जाएंगे क्योंकि चावलों से ही बनते हैं अरसे। तो चलिए आपको भी गांव वालों से मिलाते हैं और आपको भी बताते हैं कि हमारे यहाँ कैसे कलयुग बनाते हैं, क्या क्या होता है रीति रिवाज। तो चलिए बने रहेगा ब्लॉग में। तो यहाँ पर मुझे ऋषभ भाई भी दिख चुके हैं और हमारे अनु भैया जो कि टेंट वगैरह लगा रहे हैं भाई। तो इस वाले घर पर होगी शादी जहाँ पर टेंट लग रहा है। काफी सारे लोग भी आ चुके हैं। और जी कैसे चल रही था तैयारी? और दूल्हा वो रहा दोस्तों, नीचे हाथ हिला रहा है। तो चलिए आपको भी अभी मिलाते हैं दूल्हे से। तो ये रहा भाई दोस्तों शादी वाला घर और यहाँ पर दूल्हा राजा भी लगा है काम पे। ये रहा भाई दूल्हा राजा। तो ये देखिए चांदनी वगैरह लगाई जा रही है टेंट। हमारे यहाँ चांदनी को टेंट ही बोलते हैं, वो टेंट को सॉरी चांदनी बोलते हैं। तो दोस्तों आपको मैं मिलाता हूँ आप दूल्हे राजा से। तो ये रहे हमारे गांव के दूल्हे राजा। और जी ठीक हो? बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहले सगाई की भी और शादी की भी। सगाई भी कल ही हुई है दोस्तों, ये देखिए इतने सारे पहुंच भी गए शादी में। तीन और पीछे कार्यकर्ता और चार बाहर से बुलाए गए हैं काम करने के लिए। चार बिगड़ा, एक काम बिगड़ा, पांच दूल्हा, एक सिपुच है। अभी तो और भी आएंगे, पूरी शादी कवर करेगा। तो दोस्तों शादी तो ऊपर हो रही है लेकिन अभी चावल कूटे जा रहे हैं अरसों के लिए। तो अरसों के लिए जो चावल कूटे जाते हैं वो ओखली रहती है ना, प्राकृतिक ओखली बनाई रहती है जो हमारे यहाँ ना चौक में आंगन में, तो उसी में कूटे जाते हैं। तो वो काफ़ी कम है शायद गांव में, तो यहाँ कूटे जा रहे हैं। तो चलिए आपको अब अपने गाँव की महिला मंगलदर्शी भी मिलाता हूँ। हेलो, हाय, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, और सब बढ़िया? ये हाय हाय। तो यहाँ पर कूटे जा रहे हैं दोस्तों चावल, ये देखिए है दयामी चाई बस ऐ दे क्यों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अरसों के लिए ये चावल भिगा रखे थे कल रात से और यहाँ पर ऐसे पाउडर बन चुका है। ये देखिए चावल कूट कूट के ओखली में। तो कूटो भाई आप, कूटो कूटो। और यहाँ पर छन्नी से ना छाना भी जा रहा है। तो ये देखिए भाई यहाँ पर छन्नी से ऐसे छाने जा रहे हैं। ये खाली हो गए कूटा। तो ये देखिए भाई दोस्तों दो ग्रुप बना रखे हैं चावल कूटने वालों के भी। एक ग्रुप तो यहाँ पर है और ये देखिए भाभी जी भी फैला रही है चावलों को क्योंकि गीले हो रखे हैं जो कि रात से भिगाने के लिए रखे थे। और चलिए अब दूसरे वाले दूसरे ग्रुप वालों से भी मिलाते हैं। और आप भाभी जी कुछ भी बोलना चाहते हो आप कुछ? ठीक है, जरूर जरूर आना है, जरूर आना जरूर। अच्छा दिल्ली चल गया? अच्छा अच्छा
बोल दादी कुछ घर जगह जमा नहीं मिला है अच्छा बुने अप्रैल फूल मना दिया और दादी तुम भी ठीक छो ना और दूसरा ग्रुप दोस्तों इस साइड को बैठ रखा है तो यहाँ पर भी देखिए भाई नमस्कार जी नमस्कार 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 यहाँ पर भी कूटे जा रहे हैं अरसे सॉरी चावल 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 अरसे कूटे जा रहे मैं भी उल्टा बोल दिया और भाभी जी ठीक हो तो दूसरा ग्रुप दोस्तों यहाँ पर है तो ये देखिए सबके सब बैठ रखे हैं तो दोस्तों दो ग्रुप बना रखे हैं ना तो एक ग्रुप तो यहाँ पर है और एक ठीक यहाँ पर है तो ये देखिए वहाँ पर भी कूटने पे लगे हैं तो ये वाले कूट चुके हैं जो कि दादी जी ने निकाल दिए हैं और फिर नए चावल डाले जा रहे हैं ये देखिए तो ये जो थोड़ा बहुत ना छन्नी से छान के जो बच जा रहे हैं मोटे मोटे उन्हें ताई जी ने फिर से ओखली में रख दिया है और ये वाले चावल हैं जो उनके साथ फिर इनको कूटा जाएगा तो कुछ इस प्रकार से मेहनत लगती है भाई अरसे बनाने में भी तो यहाँ पर देखिए भाई दोस्तों सब ने चावल कूट दिए हैं और बैठ चुके हैं और अभी कूटना भी स्टार्ट लगाई है कूटना भी और यहाँ पर दादी जी लोग ना ये देखिए चावल को छान रहे हैं और यहाँ पर दीदी जी लोग भी बैठ रखे हैं तो नहीं नहीं सबके फोटो खींचेंगे सबके खींचेंगे अरे सब वाला ये देखिए भाई चाची जी लोग तो रुक गए हैं कूटिए भाई अरे कोई बात नहीं अरे वाह तो यहाँ पर चाची जी लोग भी देखिए भाई कूदने पे लग चुके हैं सावास देखते हैं कौन रुकता है पहले सावास हो जाए भाई अरे और यहाँ पर ये छुटकू लोग भी आ रखे हैं शादी में चाची जी रुक गई है भाई आज मैं भी कूट रहा हूँ गाँव में और वो भी मोदी जी के साथ तो बने रहिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कैसे कूटे मैंने हो रहा है दोस्तों
बड़े कुटना सी पहल बार दीवार में कुटने से तो दोस्तों चावल भी कुट चुके हैं और अब इनसे अरसे बनाए जाएंगे। तो ये भी लेके जाने लगे हैं परात को। ये देखिए भाई, जो भी चावल कूटे गए हैं ना, तो वो पूरे परात में रखे गए हैं और अब सबके सब जाने भी लग गए हैं आगे को। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं। ये देखिए इतनी सारी महिलाएं आ रखी हैं हमारे गाँव की सबके सब। तो चलिए अब चलते हैं दूल्हे के घर पे। और यहाँ पर हमारी चाची जी भी पहुँच रखी है किरतपुर गाँव से। और यहाँ पर हमारे ताई जी, भाभी जी सब के सब हैं। हाँ, दूल्हे के घर पे अब यहाँ पर अरसे बनाए जाएंगे। ताई जी भी आ रखे हैं। और ताई जी ठीक हो? हाँ बेटा ठीक है। तो चलिए अब अरसे बनाते हैं। आज हमारे गांव में हो रहा है, बोलो ना। हमारे गांव में अरसे बन रहे हैं। पहले कूटते हैं, आटा बनाते हैं, फिर अरसे बनाते हैं। तो अभी अरसे भी बनाए जाएंगे। ये देखिए चावल का पाउडर बन चुका है एकदम, पाउडर बन चुका है एकदम। वो भी ओखली में है ना, मशीन में भी नहीं भाई, ओखली में कोटी। बहुत मेहनत लगे, हाथों पे भी छाले आ गए हैं। हाँ तो छाले भी वही हाँ वही तो आपके भी आए। ना हमारे तो सांप है। सांप है? मस्त हो रखे। यहाँ पर ना भाभी जी मेरे साथ करवा चौथ का व्रत तोड़ रही हैं। तो पानी का लोटा कहाँ है भाई? ये आ गए, पानी का डिब्बा भी आ गया है, अभी मांगते हैं। तो चलिए पानी जाओ, पानी पिला रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारी काशीपुर से दीदी भी आ रखी है भाई, बबीता दीदी, जो कि पानी साने पे लग गए हैं, ये देख रहे हो। और एक दीदी जी यहाँ पर भी आ गए हैं शादी के लिए। तो शादी के लिए मेहमान भी आने लग गए हैं सबके सब। ये देखिए भाई, तो ये है दूल्हे की बुआ। तो बुआ जी भी आ चुकी है। नमस्ते दी। नमस्ते। नमस्ते। और ठीक ठाक छो? हाँ। और घर सब बड़े? हाँ, पहुँच गए हो ना? हाँ। तो यहाँ पर भी भाई चाय पानी की व्यवस्था होने लग गई है। ये देखिए सबके सब बैठ चुके हैं। अरे
तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं दूल्हे के घर पे और ये रही दूल्हे की छोटी बहन। ये देखो वो भी बोली है मुझे मत दिखाओ, सभी पता नहीं कैमरे के सामने आने में क्यों शर्मा रहे हैं। काजल जरेश जरेश। और दोस्तों ये रही दूल्हे की बड़ी दीदी और यहाँ पर आ गई है दूल्हे की मम्मी जी चाउमीन लेके और यहाँ पे हमारी फ्रेंड शिवानी भी पहुँच चुकी है अभी जलेबी खाने के लिए, क्योंकि शिवानी की फेवरेट है जलेबी तो उसने बोला मैं पक्का आऊंगी तो जरूरी है। और आपके लिए चाउमीन वगैरह भी आ चुकी है। और यहाँ पर देखिए भाई छोटे बच्चे के लिए हो रखी है शादी की तो अलग ही खुशी। ये देख रहे हो क्या बोला, अरे वैभव क्या बोल रहे हैं है? ओहो नमस्कार चाची जी, मिलिए भाई हमारे यहाँ पर चाची जी से। नमस्ते नमस्ते और ठीक ठाक ये छुट्टी की। और दोस्तों यहाँ पर मिली हमारी चाची जी से, चाची जी आ रखे हैं देहरादून से और ये उनकी छोटी सी बेटी, क्या नाम है इसका, वंशिका। तो देख तबीयत खराब हो रखी है। अरे क्या हो रखा है, उल्टिया हो रही है। हाँ? ओहो उल्टी हो रही है उसको और हमें देखते ही रोने भी लग जा रही है, जैसे ही मैं आया रोने लग गई। अब जरा चुप है छुटकी, क्या नाम है बाबू, अंशु ये वंशी भैया। हाँ गोरु उजाड़ जायची जा रखी मैं जी तुम्हार गोरु से उजाड़ था बेल कर बेटा छूत ने कर दा छूत ना छूत बिल्कुल छूत तू ही तो बोल मैं किसका बस खाई हमार को मन 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 से नहीं जान है मन 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 से नहीं जान ना। आज सुनता माल बोले भक्तू जा बने करनी चाहे भक्तू जा बोले वो तो बस सच भी नहीं मानता मन से नहीं जानदा है और आदम जानदी सुने है और बिल्कुल हमार तो छोड़ नहीं मनुष्य जात ना इन वाला अरे और केवल यह हर समय वाला है कि पाल से नियम छे लगाना चाहिए बेटा मेरा ढेबरा था ना पाल मेरा ढेबरा तू गुआ के से बिन निकाल था गुआ से बिन ढेबरा गुने खा रहा है अब बाल का ये बुन यार माँ बका बाल माँ के कसम मिला बाल लगाना चाहिए ये कि बड़ा इंच तो चलिए भाई दोस्तों अब चलते हैं जहाँ शादी होगी, शाम को कीर्तन भी है तो ताई जी तो लेके चले गई है भाई चिमटा वगैरह और यहाँ पर ना मेघा भी ला रही है मूर्ति और उसकी मम्मी जी ला रही है ढोलकी। तो चलिए अब चलते हैं फिर से वहाँ पे और खाना भी है वहाँ तो खाना खा के आएंगे। ये देखिए भाई चाची जी तो बहुत अच्छी ढोलकी बजाती है। तो दोस्तों यहाँ पे अब दिन का खाना भी होना स्टार्ट हो गया है और मिलिए यहाँ पे हमारे चाचा जी से हर्षो चाचा जी। और कैसे हो चाचा जी, और यहाँ पर हमारे धर्मा भैया और इस साइड को हमारे पंडित जी। तो चलिए भाई हम भी खाते हैं, काफी सारे लोग यहाँ पे खाना भी खा रहे हैं, चाची जी दादी जी लोग भी खा रहे हैं और यहाँ पर भी देखिए भाई नेक्स्ट दुल्हन भी खा रही है यहाँ पे। और इस साइड को देखेंगे आप भाभी जी स्लो मोशन में, जैसे कैमरा आया तो भाभी जी स्लो मोशन में खाने लग गई। और नमस्कार खुश रहो चिरंजीव, नमस्ते ठीक ठाक छो, और सब बढ़िया, कब पहुँचे आप, आज ही पहुँचे। अच्छा बढ़िया बढ़िया, घर में सब बढ़िया ना। और यहाँ पर मिले सिमरन जी से, सिमरन जी तब कैसा बना है भोजन, मस्त बना है, गिल हुई होगी, अरे नहीं करता जरा मतलब वो नहीं फोन चाहिए क्या बोले हमारे बरबुरु है ना, नहीं जानो उलगा लो नहीं जानो जा बुना लोग भाई बुना लोग। अब भाभी जी बता, भाभी जी कौन बनी छे, बहुत बढ़िया बनी जा, अभी मन तुम बड़ बड़ा गफा तुम भी खाना का। हाँ जी ए मेर बहुत ही चिंता मेर, हाँ तुम भी खाओ अब भाई, क्यों कहने उस दिन किसी ने भी नहीं बोला मेरे लिए खाना खाने के लिए।
तो चलिए भाई दोस्तों, मैं अपने लिए भी ले आया हूँ खाना और अब हम भी खाते हैं मेघा और सिया और भाभी जी के साथ। तो यहाँ पर देखिए भाई दोस्तों, गुड़ को गलाया जा रहा है, नीचे से आग लगी है और ये देखिए फिर इसमें ना ये जो चावल की कुटाई कर रखी है, पीठा बोलते हैं उसे, तो फिर उसे मिलाया जाएगा इसमें, तो उसके बाद बनाए जाते हैं फिर तेल में डाल के अरसे। तो ये देखिए कैसे पिघल रहा है अभी गुड़। तो यहाँ पर देखिए भाई दोस्तों, अब गुड़ एकदम पिघल चुका है और इसकी कंडीशन देखिए इस टाइम पे अब कैसी हो गई है। और यहाँ पर हमारे सौरभ भाई भी पहुँच चुके हैं। और सौरभ भाई कब पहुँचे आप? अभी पहुँचे, कैसा लग रहा था आपको? गप्पा भाई के डिमांड पे आया हूँ। अच्छा, बढ़िया बात है भाई, दूल्हे ने बुलाया। और यहाँ पर देखिए भाई दोस्तों, इन्होंने निकाल दिया है अब ये बड़ा सा तौला, अब ठंडा करेंगे और इसपे अब आटा मिलाया जाएगा, चावल का आटा। तो दोस्तों यहाँ पे अब सौंफ भी पड़ चुकी है, हल्दी भी डाल दी हल्की सी, और ये देखिए चावल का आटा मिलाने लग गए हैं। तो ऐसे मिलाया जाता है भाई। क्या बोल दिए खड़ी? दबलू बोलते हैं हमारे यहाँ। तो ये देखिए भाई दोस्तों, दबलू कैसे चल रहा है। तो ये देखिए भाई दोस्तों, अब कितना हार्ड होने लग गया है, ये गाढ़ा होने लग गया। ये देखो पहले कितना पतला था, अब ये देखो गुड़ के साथ मिला मिला के ना, अभी तो ये बहुत गाढ़ा होगा। तो उसके बाद बनेंगे अभी अरसे। ये खड़े रखने वाले आग जल्दी है, लेट हो गई मैं ना, लेट हो गई देखो बांधा हुआ है, बस तुम ना पता। पांच बजे तक बन गया था। हां आवाज निकल दरी। तो दोस्तों ये बन चुके हैं भाई अरसे, अरसे दिन में बन गए थे और मैं घर चला गया था, और अब दादी जी इन्हें फैला रही हैं, ये इकट्ठे रख दिए थे। और यहाँ पर देखिए इसका तेल भी निकल चुका है पूरा, तब दादी से फैलाएंगी। तो ये देखिए भाई ऐसे फैला दिए हैं दादी जी ने अरसे, तो अब ये सूख जाएंगे और एक और अब ये फिर एकदम सॉफ्ट से हो जाएंगे, जो कि तब बहुत ही अच्छे होते हैं। तो दोस्तों इतने तो ये हैं इस कंडे में, और इतने सारे अरसे यहाँ भी हैं भाई, ये देखिए आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ भी रखे हैं, पूरी क्रेटे भर रखी है अरसों से ही। तो ये पूरी शादी में ना, अब जब भी बेटी लोग जाएंगे तो उनके ससुराल वालों के लिए भेजेंगे ये अरसों को, तो स्पेशली ये बेटियों के लिए ही बनाए जाते हैं। तो जब ये ससुराल जाएंगे तो उनको वहाँ बांटना होता है कि शुभ कार्य से आ रखे हैं अपने भाई की शादी से, है ना दादी? हाँ।